हेलो दोस्तों, सीमार का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसका ये दूसरा पिक्चर होने वाला है, तो इसमें हम लोग 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में देखेंगे, जहाँ पर मुगल शासक और उनका प्रशासन विभिन्न सांस्कृतिक में से संस्कृति कैसे अभ्युदय हुआ उसको भी देखेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर और समाज पर क्या प्रभाव रहा उसको भी देखेंगे। चलिए, शहाबुद्दीन उमर, ये खिलजी वंश का शासक था। शहाबुद्दीन उमर अलाउद्दीन खिलजी की हिंदू रानी झात्यापाली का पुत्र माना जाता है। इसके शासनकाल में संपूर्ण शक्ति मलिक कपूर के हाथों में थी। अनबारे सुहेली, तो यह पौराणिक संस्कृत नीति कथा पंचतंत्र का भारतीय अनुवादक है। तो यह पौराणिक संस्कृत नीति कथा पंचतंत्र का भारतीय अनुवाद है। इसे संभवतः मुगल सम्राट अकबर ने तैयार करवाया था। 15वीं शताब्दी के अंत में इसका फारसी अनुवाद हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ ने किया था। अलबरूनी, उसका जन्म 1973 ईस्वी में खारिज में हुआ था। फारसी, सीरियाई एवं संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। रचना किताबुल हिंद अरबी भाषा में। हरिहर प्रथम संगम वंश का संस्थापक था। संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी राजधानी अनेगोंडी थी। अनेगोंडी, इसने होयसल राज्य का क्षेत्र जीतकर विजयनगर में मिला लिया था। होयसल राज्य का क्षेत्र जीतकर विजयनगर में मिलाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1576 को। किसके बीच? मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के बीच हुआ था। परिणाम अकबर की जीत हुई थी। हालांकि ये इंडिसाइसिव बैटल थी। अकबर को भी क्लियर कट विक्री मिली नहीं थी, तो फिर भी ऐसा है तो मान लेते हैं। धर्मपाल, तो पाल वंश का शासक था। शासनकाल 770 से 810 ईस्वी के बीच। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार की स्थापना की थी। कन्नौज शासक चक्रायुद्ध को पराजित किया। कासहद का युद्ध, ये 1177 से 1179 के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी और गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय के मत हुआ था। परिणाम मोहम्मद गौरी की इसमें पराजय हुई थी। यह भारत में गौरी के प्रथम पराजय थी। भारत में गौरी। बॉस्टोफेडन लिपि क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि है। बॉस्टोफेडन लिपि के नाम से जाना जाता है। इसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि दाएं से बाएं तथा पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो दाएं से बाएं फिर पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर होते हैं। दीवान इंसा सल्तनतकालीन पत्राचार विभाग का मुखिया कौन होता था? प्रमुख कौन होता था? दाबीरे मुवालिक। कार्य क्या था? सुल्तान एवं प्रांतीय शासकों के मध्य पत्राचार पर नियंत्रण रखने का कार्य होता था। दीवाने आरिज सल्तनत काल में सैन्य विभाग का स्थापना बलबन द्वारा। मुखिया इसका आरिज मुमालिक कहलाता था। कार्य सैनिकों की भर्ती एवं उन्हें शिक्षा देने का कार्य था। दीवाने बिजारत सल्तनत काल में सैन्य विभाग का स्थापना बलबन। प्रमुख वजीर या धान मंत्री जिसे कहते हैं। कार्य राजस्व वसूल करना तथा व्यय पर नियंत्रण रखना। तबाकत नसीरी, रचना मिनहाज और सिराज ने की। फारसी भाषा में गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। चचनामा, इसे फतहनामा भी कहते हैं। लेखक कौन है? अली अहमद। अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें सिंध पर अरब आक्रमण का उल्लेख है। इसका फारसी भाषा में अनुवाद अबू बकर कोफी ने किया था। कुबातुल इस्लाम मस्जिद किताबुल इस्लाम मस्जिद, तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किया था। हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन था ये, और पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। संत रामदास मराठा शासक वीर शिवाजी के गुरु थे। धरकड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। दास बोध नामक ग्रंथ लिखा था। नूह सिपेहर अमीर खुसरो द्वारा लिखित कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया। निकोलो मनुची ये इटली का यात्री था। अनेक शासकों जैसे दारा सिको, शाह आलम, जय सिंह की सेवा में रहा। स्टीरियो डी मोगोर ग्रंथ लिखा। हरिहर द्वितीय संगम वंश का शासक था। शासनकाल 1377 से 1405 के बीच में। उपाधि महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की। सुदूर दक्षिण भारत पर विजय साम्राज्य का विस्तार किया।
खानवा के युद्ध 16 मार्च 1527 को टाणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। युद्ध से पूर्व बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, परिणाम राणा सांगा पराजित हुए। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तमगा यह व्यापारिक कर था। खानवा के युद्ध पूर्व बाबर ने मुसलमानों को इस कर से मुक्त कर दिया था। तमगा चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ, जिसके मध्य बाबर और मदनी राय के मध्य मदनी राय पराजित हुए। दुजुके बाबरी बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखित अपनी आत्मकथा है। दुजुके बाबरी अन्य नाम बाबर नामा बकियात ए बाबरी कहते हैं इसको। सर्वप्रथम अकबर के समय इसका फारसी भाषा में अनुवाद पैंदा खान ने किया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को, 1529 अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। यह मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध जो जल था स्थल दोनों जगह लड़ा गया। महमूद गजनबी यह एक तुर्क आक्रमणकारी था। इसने 1000 से 1026 ईस्वी तक की अवधि में भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इसका प्रमुख आक्रमण सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में हुआ। इसके साथ अल्बरूनी भारत आया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। कालिदास की प्रमुख रचनाएं नाटक विज्ञान शकुंतलम, मलावी काग्नि मित्रम, विक्रमो मर्सियम, महाकाव्य कुमार संभवम और तथ्वंसम, खंडकाव्य मेघदूत और अन्य रचनाएं सेतु काव्यम, सूत बोधम और श्याम दंडकम। मोहम्मद गौरी यह 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था। यह 1212 में गौरी साम्राज्य का शासक बना। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के 2 युद्ध हुए 1191 और 1192। इसने भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की। भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक रहा। यह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 तराइन के मैदान में हुआ और 1189 में गौरी द्वारा बठिंडा पर अधिकार कर लेना इसका कारण था। इसके मध्य हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, परिणाम पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। कुतुब मीनार जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था क्यों? एक सूफी संत बख्तियार काकी की याद में। विशेषता क्या है? यह एक विश्व विरासत स्थल है। इसका निर्माण काल इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली शासन का प्रथम शासक था। ये गुलाम बंद का संस्थापक कहा जाता है। शासन काल 1206 से 1210 तक राजधानी लाहौर में थी। प्रमुख कार्य कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। मतलब पूरी तरह से नहीं बनवाया था, कार्य प्रारंभ किया पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। उपनाम लाख बख्श कुरान खा, उपाधि मलिक या सिपा सलार। मामलुक इतिहासकार हबीब उल्लाह द्वारा दिया गया शब्द। इतिहासकार हबीब उल्लाह द्वारा दिया गया शब्द शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। अपनी विशेषताओं के कारण गुलाम वंश को मामलुक कहा जाता है। लाख बख्श की उपाधि किसके थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श कहते हैं। चंदावत का युद्ध कब हुआ? 1194 को, किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, परिणाम मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। भाव इस युद्ध से गढ़वाल वंश की सत्ता समाप्त हो गई। भाव क्या हुआ? इस युद्ध से गढ़वाल वंश की सत्ता समाप्त हो गई। खलीफा मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जगत का धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख होता है। प्रथम खलीफा अबू बकर थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1924 में खलीफा की सत्ता का समाप्त कर दिया गया। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन सन 1333 में भारत आया, रचना रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में इनकी रचना बहुत रोचक जानकारियां देती। बालबन गुलाम वंश का सबसे महान शासक। शासनकाल 1265 से 1286 तक। यह एल्बरी तुर्क था। और लोह की नीति अपनाई है ना, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। तुर्कान ने चहलगाड़ी को नष्ट कर दिया था। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, तुर्कान ने चहलगाड़ी। बेसिकली 40 एलिट्स का ये ग्रुप होता था। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। शासनकाल 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया दिल्ली की जनता के समर्थन से सुल्तान बनी थी और पहली महिला शासिका थी। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। शासनकाल 1210 से 1236 तक। इन्होंने इकतर व्यवस्था प्रारंभ की। तुर्कान ने चहलगानी का गठन किया। 1234 में मालवा को जीता। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। सुल्तान आजम खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के बीच में।
इसने उदार निरंकुश शासन किया, यानी डिस्पोटिक डिस्पोटिक बेनोबिलेंट शासक था ये। किलोखरी को राजधानी बनाई, किलोखरी को। दिल्ली सल्तनत के मुख्य प्रमुख वंश कौन कौन से थे? प्रमुख वंश गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश। फिर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रभावी शासक, शासनकाल 1296 से 1316 तक, सेनापति 1000 दिनारी, उपाधियाँ गाजी मलिक, सिकंदर सानी। 1305 में मालवा अभियान किया, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। ये मलिक कपूर राजनारी कौन था? मलिक कपूर एक काइंड ऑफ हिजड़ा था, उसको गुलाम के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा हुआ। किस शासक को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर तो अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि यह प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना गठित की। भाड़े की सेना होती थी, उसके स्थान पर स्थायी सेना को गठित करने वाला पहला शासक। सिकंदर की तरह विश्व विजय करना इसका उद्देश्य। ग्यासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश संस्थापक, शासनकाल 1320 से 1325 तक, वास्तविक नाम गाजी मलिक था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। आकाल संहिता का निर्माण किया। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। शासनकाल 1325 से 1351 तक, 1325 से 1351 तक। मूल नाम जौना था। यह अपनी असफल योजनाओं के कारण एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इस उत्पादन में वृद्धि हेतु सस्यावर्तन प्रणाली अपनाई थी। इसके अलावा टोकन करेंसी लॉन्च की थी। कराचिल का अभियान किया था। फिर दुआब में कर वृद्धि की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे और ये पढ़ा लिखा था दिल्ली सल्तनत पहला। जजिया कर, तो यह एक गैर धार्मिक कर था। जजिया कर सर्वप्रथम यहूदियों और ईसाइयों से वसूल किया गया। बाद में मुसलमानों ने जजिया कर को भारत में हिंदुओं पर भी लगाया। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया। 712 अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद फिरोज शाह दिल्ली के सुल्तान बना। शासनकाल 1351 से 1338 तक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक रहा है। आत्मकथा फतुहात है फिरोज शाही। दासों के लिए दीवाने बंदगान विभाग बनाया। तो तैमूर आक्रमण कब हुआ? 1398 में। तैमूर मध्य एशिया का आक्रमणकारी था। इसने नसीरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण के दौरान खिजर खान ने तैमूर की सहायता की थी। खिजर खान या सैयद वंश का संस्थापक था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश का शासक था। उपाधि रयत-ए-आला। शासनकाल 1414 से 1421। अब अमीर खुसरो, तो 14वीं सदी के कवि, शायर, गायक, संगीतकार अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा। तूतीय हिंद उपाधि थी इनकी। इन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। बहलोल लोधी लोधी वंश संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंशज था। शासनकाल 1451 से 1489 तक। उसने बहलोल या बहलोली सिक्के चलित किए। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 35 वर्ष तक शासन किया। सिकंदर लोधी लोधी का सर्वश्रेष्ठ शासक, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक। शासनकाल 1489 से 1517 तक। इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया। गजा सिकंदरी भूमि मापन चलाया। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक, शासनकाल 1517 से 1526 तक। इसी के समय बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हुई और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। शिक्षा व्यवस्था, तो यह अरबी भाषा का शब्द था। सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। इस व्यवस्था का उद्देश्य सुदूर क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना था, राजस्व वसूली की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना
और इस व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिस ने किया था। प्रमुख सल्तनत कालीन पहला एक खराज गैर मुसलमानों से 1/3 से 1/2 भाग लिया जाता था, उच्च भारतीय मुसलमानों से 1/10 भाग, जजिया गैर मुसलमानों से, खम से लूटे हुए धन से धन व्यवस्था हुआ करता था 1/5 भाग। कोणार्क का सूर्य मंदिर सन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध, मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कलिंग राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा करवाया गया। कोणार्क का अर्थ है एंगल ऑफ सन। यह मंदिर रथ आकार का है जिसमें 12 विशाल काय पहिए हैं और रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगूस कहते थे प्यार से। मुस्लिम राज्यों में यह सर्वाधिक शक्तिशाली था। इस साम्राज्य का विस्तार उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, संस्थापक हरिहर और बुक्का, राजधानी हम्पी, राजभाषा तेलुगु। संगम वंश, यह वंश विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों में प्रथम था। संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम रखा। इस वंश में 10 शासक हुए, प्रथम शासक हरिहर प्रथम थे। कृष्णदेव राय तुलो वंश के प्रतापी शासक, शासनकाल 1509 से 1530 ईस्वी तक। रचना अमुक्तमाल्यम, जाम्बती कल्याणम। बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली बताया। अष्ट दिग्गज इनके दरबार में थे। तल्लीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसके बाद हुआ था विजयनगर और दक्षिण के 4 इस्लामी राज्यों के संघ, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर के मध्य। परिणाम क्या हुआ? विजयनगर शासक सदाशिवराव की पराजय हुई। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा मेवाड़ के प्रतापी शासक थे। 1508 में मेवाड़ के शासक बने। प्रमुख युद्ध घटोली का युद्ध 1517 से 1518 के बीच में, खानबा का युद्ध 1527 में बाबर के खिलाफ लड़ा था। तेनालीरामा विजयनगर साम्राज्य के तेलुगु कवि थे। यह कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गजों में शामिल थे। रचना कौन सी थी? पांडुरंग महात्म्य। शंकराचार्य जन्म कलादीग्राम केरल। दार्शनिक मत अद्वैतवाद, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इन्होंने दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन हेतु न ब्राह्मण की स्थापना की। रामानंद तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनके 12 शिष्य थे जिनमें रैदास कबीर आदि थे। इन्होंने महिलाओं के लिए भी इस पर आराधना के द्वार खोले। प्रथम भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक भक्ति आंदोलन के संत थे। जन 1469 में ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ। दार्शनिक मत एकेश्वरवाद, सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। मीराबाई भक्ति युग की कवित्री थी। जन्म मेड़ता ग्राम में हुआ। गुरु रैदास थे। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवर्तक थी। इन्होंने ब्रज भाषा में भक्ति गीतों की रचना की। तुलसीदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। फिर यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। प्रमुख रचना रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। मुगल सम्राट दिल्ली सल्तनत के पश्चात मुगल वंश का शासन आरंभ हुआ। मुगल वंश ने भारत में 1526 से 1857 तक राज किया। भारत में इस साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ। पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वंश मुगलिया, प्रसिद्ध भारत में मुगल वंश के संस्थापक के रूप में। दारा सिखो शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र थे। उपाधि या उपनाम शाह बुलंद इकबाल। इन्होंने अपने पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया सर्रे अकबर के नाम से। धार्मिक उदारता के कारण लघु अकबर इनको कहा जाता है। दीन इलाही धर्म, अकबर द्वारा इस नवीन धर्म की घोषणा की गई कब? 1582। वास्तव में यह कोई नया धर्म नहीं था बल्कि इस धर्म में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेशन किया गया था। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बचपन का नाम महेशदास था। अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। कबीरदास 1440 से 1510 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा, हालांकि ये विवादास्पद है तो ठीक है। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। रचना बीजक, साखी सबद्रमैया। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता से पकड़ था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में।
साहू जी और ताराबाई के मध्य उत्तराधिकारी उदय था लस्सी, परिणाम साहू की विजय हुई। खानदेश लस्सी कहा नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थापना 1382 में मलिक अहमद राजा फरूखी द्वारा। राजधानी बुरहानपुर, सैनिक मुख्यालय असीरगढ़। 1601 में अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिलाया था। होशंग शाह अल्प खान ने होशंग शाह की उपाधि धारण की। अल्प खान 1408 में मालवा का शासक बना। राजधानी मांडू किला और हिंडोला महल का निर्माण करवाया। परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में स्थापित। स्थापना दादोबा पांडुरंग और जाम्बेका शास्त्री द्वारा। इसके अनुसार सत्य प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित होता है, तो सत्य प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित होता तथा एक ईश्वर की पूजा करना चाहिए। बहुदेवता बहुदेववाद और जातिवाद का उन्होंने विरोध किया। नूरजहां कौन थी? उनका उपनाम था मेहरुन्निसा। पिता ग्यास बेगम। सिद्धि जहांगीर, मुगल शासक से विवाह के कारण। जुंटा गुट का नेतृत्व किया, जुंटा गुट। अवतारवाद वैदिक धर्म की एक अवधारणा जिसके अनुसार पृथ्वी पर धर्म की हानि होने पर या अपने भक्तों की रक्षा के लिए ईश्वर समय समय पर मानव रूप में उपस्थित हुए। अवतारवाद कल की अवतार होगा आने वाले समय में कलयुग की समाप्ति के लिए। सुनिधि और वस्त्रकार, तो ये अजात शत्रु के मंत्री थे। सुनिधि और वस्त्रकार अजात शत्रु के मंत्री थे। अजात शत्रु ने इनका इस्तेमाल बज्जी संघ में फूट डालने के लिए किया। अदेव मात्रक, मौर्य काल में भूमि का एक प्रकार है जो बिना वर्षा के अच्छी फसल पैदा करती थी। समाहर्ता, मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, इसे वित्त मंत्री भी कहा जाता था। कार्य राजकीय करों को एकत्र करना। दृष्टि, मौर्यकालीन समाज में चलित एक बेसिकली मौर्यकालीन समाज में चलित एक प्रकार का श्रम था जिसमें बिना पारिश्रमिक दिए काम किया जाता था। मुजरिस, केरल में स्थित एक मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह है। यहाँ से मौर्योत्तर काल में पश्चिम एशिया का व्यापार होता था। मुजरिस से यवनई, हिंद यवनों ने काली मिर्च का बड़े पैमाने पर आयात किया, फलस्वरूप काली मिर्च को यवन ही कहा जाता था। नासिक अभिलेख उसके साथ वाहन वंश की महिला गौतम बाल से के द्वारा जारी कराया गया। इस अभिलेख में साथ वाहनों के द्वारा शकों और यवनों को पराजित करने का उल्लेख किया गया है। अक्षय तिथि परंपरा, अर्थ स्थायी दान में से स्थायी दान से है जिसमें सप्तकर्ता को लगातार राजस्व मिलता। यह परंपरा कुषाण काल में शुरू हुई और गुप्तों के समय में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख है। धातु कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। निर्माण 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तोरमाण गुप्त काल का एक हूण आक्रमणकारी था। यह जैन अनुयायी था। इसने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर कई राज्यों को जीता। मिहुर कुल तोरमाण का ही पुत्र था। अग्रहार, गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी। यह सभी करों से मुक्त थी। इस दान के उद्देश्य शैक्षणिक और धार्मिक होते थे। गुप्तकालीन नाटक लेखक और रचना शूद्रक ने मृक्षकटकम लिखा है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, भावभूति ने मालती माधव और उत्तर रामचरितम लिखा है। भास ने स्वप्न वासव दत्ता लिखा है। भारवी ने किरातार जूनियम लिखा है। इस्लाम के सिद्धांत, पहला अल्लाह ईश्वर एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर। संसार के सभी व्यक्ति अल्लाह की संतान है। धरती पर मनुष्य का जन्म पहला और अंतिम है। कुरान सभी ग्रंथों के समान पवित्र है। रूह आत्मा अजर अमर है। मुसलमानों के 5 कर्तव्य, कलमा नमाज जकात रोजा और हज। मामलुक, इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया शब्द है। अर्थ स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, अपनी विशेषताओं के कारण गुलाम वंश को मामलुक कहना उचित। हौजे सम्मी, सल्तनत कालीन एक तालाब, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने बदायूं में करवाया था। हौजे सम्मी। शहरुख, मध्य एशिया में प्रचलित एक चांदी का सिक्का था। शहरुख बाबर ने विजय के उपलक्ष्य में काबुल के प्रत्येक निवासी को एक सिक्का दान दिया। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 15 मई 1555 को। किसके मध्य? हुमायूं एवं अफगान सतारा खां के मध्य। परिणाम हुमायूं विजयी हुआ एवं संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। मोहम्मद लोदी, एक अफगान सरदार जिसने बाबर से प्रतिशोध लेने के लिए राणा सांगा से संधि की। जुंटा गुट, जहांगीर काल में सत्ता प्राप्ति है तो प्रयासरत एक गुट, उसमें नूर जहां आसफ खां शामिल थे। जनजाति विद्रोह, पूर्वी भारत में सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल, अहोम, खांसी, पागलपंथी, पुराजी, मुंडा। पश्चिम भारत में
रामोसी, कच्छ, भील, सूरत का नमक आंदोलन, गडकरी आंदोलन। दक्षिण भारत में विजयनगर के राजा का विद्रोह, बेलूपंथी विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, पांडेगारों का विद्रोह। बुंदे बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में है। अकबर द्वारा निर्मित सिद्धि क्या है? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। ताजमहल मुगल कालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई है इमारत थी। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। सफेद संगमरमर से निर्मित विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक थे। पर्दा शासन, तो बैरम खां के पतन के बाद सम्राट अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया। इसी कारण कुछ इतिहासकारों ने इस काल को यानी 1560 से 1564 को पर्दा शासन या स्त्री शासन या पेटीकोट शासन कहा है। औरंगजेब मुगल शासक, शासनकाल 1658 से 1707, इन्हें व्यक्तिगत गुणों के कारण जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसने इस्लामी परंपरा के अनुसार शासन किया। हुमायूं का मकबरा, यह मकबरा मुगल शासनकाल में निर्मित प्रथम इमारत है। निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा। शिल्पकार मिर्जा ग्यास। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक। जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। उपाधि हिंदू पद पादशाही एवं हिंदुत्व धर्मोद्धारक व छत्रपति। मराठा कालीन प्रमुख का चौथ था। कुल राजस्व का 1/4 वसूला जाता था। सरदेश मुखी या आय का 1/10 वसूला जाता था। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। इसके मध्य शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के संधि की शर्तें क्या थी? शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों को सौंपे। संभाजी को 5,000 मनसब और उचित जागीर मिली। अल्पत गेंद, तो यह समनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था। अल्पत गेंद यह गजनी या यामनी वंश का संस्थापक था। राजधानी गजनी या तुर्की, यह तुर्की था, यह तुर्की ओरिजिन का था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? सुमुक्त गेंद, जो कि अल्पत गेंद का दास था। उसने 986 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। खलीफा व्यवस्था, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। खलीफा को ही समुदाय का प्रमुख माना जाता था। तत्पश्चात खलीफा धार्मिक राजनीतिक पद बन गया तथा इसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य का था। दैवीय राजत्व का गुण, इस सिद्धांत का प्रतिपादक प्रतिपादक कौन था? बलवंत था। यह राजव्यवस्था से संबंधित था। इसके अनुसार बलवंत स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि तथा ईश्वर की छाया बताता था। स्वयं को ईश्वर की छाया बताता था। यह सुल्तान का पद निरंकुश होता था। मलिक कफूर, यह दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दास था। इसने अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाई। इसे 1,000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा गया था मलिक कफूर को, इसीलिए इसे 1,000 दिनारी भी कहा जाता है। रोजा तुगलक ने कौन कौन से नगरों की स्थापना की? फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार। ढाई दिन का झोपड़ा, तो सल्तनत कालीन प्रमुख इमारत थी। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, या अजमेर में पहले एक संस्कृत विद्यालय था। वर्तमान में यह एक मस्जिद है। इसका निर्माण मात्र 2.5 दिन में किया गया, इसी कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। मोहनियास, तो यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त गुप्तचर था जो बाजार की गतिविधियों का विवरण सीधे सुल्तान को प्रदान करता था। तुलुक वंश, तो यह विजयनगर का तीसरा राजवंश था। स्थापना वीर नरसिंह देव ने की थी। तुलुक वंश के 6 शासकों ने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक तिरुमल था। तिरुमल अमुक्त माल्यम या अमुक्त माल्य थे। कृष्णदेव राय की रचना है। इसमें इन्होंने राजा के कर्तव्यों और आदर्शों की व्याख्या की है। कर का बोझ कम करने का विचार प्रस्तुत किया। सूफी दर्शन, यह दर्शन इस्लामी कट्टरपंथ के स्थान पर धार्मिक रहस्यवाद पर आधारित था। सूफी इस्लाम के कर्मकांडों एवं कट्टरपंथी विचारों के उत्तरदायी थे। सूफी संत एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, सभी कुछ ईश्वर में है और उसके बाहर कुछ नहीं। भारत के मुख्य सूफी मत कौन कौन से थे? सत्तारी था, फिरदौसी था, नक्शबंदी था, कादरी था, सुहरावर्दी और चिश्ती। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती प्रमुख सूफी संत थे। जन्म 1143 में अफगानिस्तान में हुआ। यह 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। उनकी दरगाह अजमेरी। शेख नियामुद्दीन ओलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत। जन्म 1236 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में। उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज देखा। उनके समय दिल्ली में चिश्ती संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम के 5 सिद्धांत कौन है? पहला तौहीद यानी अल्लाह में विश्वास, नमाज यानी 5 बार प्रतिदिन प्रार्थना, रोजा रमजान के महीने में उपवास, जकात अच्छा देना, हज मक्का की तीर्थयात्रा करना।
शेख सलीम चिश्ती। यह चिश्तिया हसन के या चिश्तिया शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। पदवी शेख उल हिंद। इन्होंने सीकरी नामक स्थान पर खानकाह स्थापित किया। ये संत अकबर के समकालीन थे और अकबर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, शेखु बाबा भी प्यार से कहा थे कौन अकबर कहा जाता है। उनके जन्म के लिए, जन्म के बाद अकबर ने पैदल यात्रा की थी फतेहपुर से सीख ली। अलवार, अलवार का अर्थ है ज्ञानी। अलवार संत भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। अलवार संत एक ईश्वरवादी थे। ये संत मानते थे कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नैनार, शिव भक्तों को नैनार कहते हैं। इनकी संख्या 63। नैनारों के भक्ति गीतों को तेवरम में संकलित किया गया। तेवरम आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, गोवर्धन मठ पुरी में, शारदा मठ द्वारिका में, श्रृंगेरी मठ मसूर में। सूरदास सिद्ध भक्तिकालीन संत, जन्म 1478 में उत्तर प्रदेश में। अकबर के समकालीन थे। रचनाएं सूरसागर, सूरसारावल, साहित्य लहरी। चैतन्य महाप्रभु भक्तकालीन संत, जन्म 1486 में पश्चिम बंगाल में नादिया में। उपाधि गौरंग महाप्रभु या विद्यासागर। चैतन्य ने भक्ति की कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। दादू दयाल भक्तकालीन संत थे। जन्म 1544 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। ये कबीरपंथी थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति मार्ग अपनाया। रचना काजी कदमा शेख फरीद काजी मोहम्मद। दादू के उपदेश राम की वाणी नामक पुस्तक में संकलित। राजा टोडरमा अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक। जन्म अवध के लाहौरपुर में। 1562 में अकबर की सेना में भर्ती हुए। इनके प्रसिद्धि के कारण भूमि सुधार। गजय सिकंदरी या सिकंदर लोधी द्वारा चलाया गया भूमि माप का पैमाना था। समानतः 32 इंच का होता था। मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं गुलबदन बेगम, महामांगा, अहमद बेगम, नूर जहां, जहां आरा, मुमताजी। अनिपथ्य प्रथम युद्ध के कारण। पहला बाबर की महत्वाकांक्षा। दूसरा बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा मिलना। फिर भारत में केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। बाबर द्वारा भारत की धन संपत्ति प्राप्त करना। दशाला व्यवस्था। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल थे। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के विगत 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय चलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था या नकद होता था। इस प्रणाली को 1/10 भाग प्रत्येक वर्ष वसूला जाना था। इस प्रणाली में 1/10 भाग प्रत्येक वर्ष वसूला जाना था। इसे माल्य खरसाला कहा जाता था। अकबर ने अपने शासन काल के 24वें वर्ष में इसको प्रारंभ किया। इसकी सिलसिला स्थापना अबू इसाक रसान ने की। भारत में चिश्तिया संप्रदाय प्रथम संत शेख उस्मान शेख मुजीद्दीन चिश्ती थे। नागभट्ट प्रथम या गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 1730 से 1760 तक अवंती पर शासन किया। इन्होंने सिंध के अकबरों को पराजित किया। सिंध के अरबों को पराजित किया। मार्को पोलो डेनिस के व्यापारी थे। इन्होंने 1278 से 1295 के मध्य सिल्क रूट से एशिया की यात्रा की। इनकी यात्रा का विवरण दक्षिण भारत के सामाजिक आर्थिक इतिहास का स्रोत। हेमू बिहार के शासक आदिल शाह सूर का हिंदू प्रधानमंत्री था। इसने हुमायूं की मृत्यु के बाद आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार किया। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अकबरनामा या अकबर के जीवन चरित्र, धार्मिक नीति और राजपूत नीति की जानकारी हेतु एक प्रमाणिक पुस्तक है। यह फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके रचनाकार अबुल फजल। चित्रादुरा यह एक वास्तुकला शैली है। यह एक प्रकार के अलंकृत नमूने होते हैं जो बिखरे पदार्थों को दबाकर बनाए जाते हैं। इसमें कीमती एवं बहुमूल्य रत्नों को जड़ावटों में प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस शैली का प्रयोग एकमात्र दौला के मकबरे में हुआ। सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। जनवरी 1025 ईस्वी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भीमदेव यहाँ के शासक। मुबारकबाद खिलजी दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का शासक था। शासनकाल 1316 से 1320 तक। अपने खलीफा के प्रतिभक्ति को हटाकर अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान घोषित किया।
12 साल की उम्र, महमूद गवान यह डेक्कन के बहमानी सल्तनत में प्रधानमंत्री था। महमूद गवान मदरसा का निर्माण महमूद गवान ने शहर बीदर में करवाया था। यह मदरसा एक विश्वविद्यालय के रूप में था जो शिक्षा का केंद्र था। मुस्लिम मुसलमानों के संयंत्र के कारण इन्हें महमूद शाह तृतीय ने मृत्युदंड दिया। मुहत्सिब या संस्कृत कालीन एवं मुगल कालीन शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण पद था। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में यह पद महत्वपूर्ण बन गया। कार्य बादशाह के आदेश से मंदिरों को तोड़वाना, शरीयत के स्कूल कार्य करने वालों को रोकना। कीर्ति स्तंभ 1448 में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित। दीवान अमीर कोटी भारत के इतिहास में सल्तनत काल का महत्वपूर्ण विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक थे। कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना। खिलजी क्रांति बलबन के कमजोर उत्तराधिकारियों को 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा सल्तनत की गद्दी से हटाकर खिलजी वंश की स्थापना की गई। इसे ही खिलजी क्रांति कहते हैं। मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? हुमायूं कालीन मीर सैयद अली और अबू समूह। अकबर कालीन दसवंत और निशनदास। जहांगीर कालीन उस्ताद मंसूर और अब्दुल हक। मुगल काल में आए प्रमुख विदेशी यात्री थे राल्फ फिंच कैप्टन हॉकिंग थॉमस को पीटर मुंडी बर्नियर और मनुची। मोहम्मद सारंगीला उत्तर मुगल काल का शासक था। शासन काल 1729 से 48 था। इसके समय सैयद बंधुओं का अंत हुआ। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। गोलकुंडा अभियान कब 1686 से 87 के बीच में अभियान मुगल शासक औरंगजेब के समय हुआ। इस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और इसे 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर के नौरत्न अबुल फजल फैजी बीरबल तानसेन हकीम उमाम मुल्ला दो प्याजा खान ए खाना उरमल और राजा मानसिंह। अकबर के प्रमुख कार्य 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 63 में तीर्थ यात्रा का समाप्त किया। 64 में जजिया का समाप्त किया। 1975 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1579 में मजहर की घोषणा की। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की। सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य 1555 को हुआ था। परिणाम सिकंदर सूर पराजित हुआ। सरहिंद विजय का श्रेय हुमायूं ने अकबर को दिया। चौथा का युद्ध। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। तब 1549 में इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। संत रहसास भक्तिकालीन प्रमुख संत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल। उनके अनुसार मन चंगा तो कठौती में गंगा, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के नाम और प्रतापक लिखे। वंश संगम वंश हरिहर एवं बुक्का। सालुभ वंश नरसिंह सालुभ। सुलुभ वंश वीर नरसिंह। राबिडू वंश तिरुमल। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और अकबर के मध्य हुआ था। परिणाम बाबर विजयी हुआ। विशेषता बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा युद्ध पद्धति तथा तोप खाने का प्रथम बार प्रयोग किया। मुगल कौन थे? मुगल दो महान वंशों के वंशज थे, मंगोल प्लस तुर्क। मुगलों का अर्थ है बहादुर होते। माता की ओर से मुगल चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे तथा पिता की ओर से तैमूर वंश के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है बाबा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। खानबा का युद्ध 16 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528। घाघरा का युद्ध 5 अप्रैल 1529। हुमायूं जन्म काबुल में 1508 में। पिता बाबा राजा अभिषेक 30 दिसंबर 1530। हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। दीन पनाह दिल्ली का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी या शेर खान सूर वंश का शासक। शासनकाल 1540 से 1545। उपाधि शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। प्रमुख युद्ध 64 का युद्ध कलिंजर का युद्ध। रायसेन अभियान शेर शाह के चरित्र पर कलंक। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कलिंजर पर आक्रमण का 1531 में। दोहरिया या बुराई का युद्ध 1532 में। चुनार का घेरा 1532। बहादुर शाह के संघर्ष 1535 से 1536। चौसा का युद्ध 1547। बिलग्राम का युद्ध 1540। अकबर मुगल सम्राट जन्म 1500
42 ईस्वी को अमरकोट में हुआ। पिता हुमायूं, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का राज्याभिषेक 1558 में कालानौर पंजाब में हुआ। बैरम खान अकबर के संरक्षक एवं सेनापति थे। यह कार्लायल तुर्क या शिया संप्रदाय के थे। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में बैरम खान द्वारा ही किया गया था। खाने खाना के पास तुर्काने चहल गाने का गठन इल्तुतमिश ने किया था। अर्थ क्या होता है? 40 तुर्क सरदारों का दल। उद्देश्य, व्यवस्थित प्रशासन, विरोधी सरदारों का दमन, बलवन ने इसका अंत किया। अटाला मस्जिद निर्माण तुर्की राजवंश के इब्राहिम शाह ने किया। जौनपुर में स्थित है। वास्तुकला का उत्तम नमूना है। इसके अग्रभाग में उठा हुआ प्रार्थना कक्ष है। मनसबदारी व्यवस्था 1576। अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष प्रारंभ किया। मनसब फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पद। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित है। सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर का मकबरा स्थित है। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोधी के नाम पर रखा। मकतब स्थापना मुस्लिम शासकों द्वारा मस्जिद से संबंधित प्राथमिक शिक्षा दान की जाती है। उलेमा शासन काल में इस्लामी धर्माचार्यों तथा शरीयत के व्याख्याकारों का वर्ग था। शासन पर इनका अत्यधिक प्रभाव रहता। आईनी अकबरी लेखक अबुल फजल नवरत्नों में से इसमें अकबर के दरबार तथा उसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। अकबर नामा का तीसरा खंड बहादुर गढ़ का युद्ध उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ? जनवरी 1658। इसके मध्य शाही सेना और शाह शुजा के मध्य परिणाम शाह शुजा पराजित हुआ। धर्मत का युद्ध उज्जैन मध्य प्रदेश में कब हुआ? 1558 में। जसवंत सिंह और कासिम खान तथा मुराद बख्श व औरंगजेब की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ। परिणाम जसवंत सिंह पराजित हुए। देवराय का युद्ध 1659 में जिसके मध्य औरंगजेब और दारा सिको पराजित हुए। अहदी सैनिक मुगल कालीन बादशाह के सैनिक थे। इनके वेतन वस्त्र और घोड़े राज की ओर किए जाते थे। इन्हें एक अलग दीवान और बख्शी के अधीन रखा जाता था। मुंतखाबुल तबारिक लेखक अब्दुल कादिर बदायूं एकमात्र ग्रंथ जो अकबर को समर्पित नहीं। मुगल कालीन अश्वारोही सेना मुगल सेना का प्राण थी। प्रकार बरगीर और सिलेदार। पैबोस अर्थ क्या है? पैरों को चूमना। प्रारंभ बलवन ने समाप्त शाहजहां। दीवानी मुस्तकराज सल्तनत काल का शासनिक विभाग का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कार्य अतिरिक्त मात्रा में वसूल किए गए कर का हिसाब रखा। दीवानी रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना इसका उद्देश्य। प्रधान कौन था? मलिक याकूब को बनाया गया। दीवानी इश्तहार शाह तुगलक द्वारा पेंशन विभाग था। राजतरंगणी लेखक कल्हण कश्मीर के इतिहास से संबंधित यह पुस्तक जयसिंह लाहौर वंश के समय लिखी गई। जैन अबिदीन कश्मीर का सबसे महान शासक जैन अबिदीन अन्य नाम कश्मीर का अकबर व कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कार बुलर झील में जैन लंका द्वीप का निर्माण करवाया। बरकारी संप्रदाय के संस्थापक ज्ञानेश्वर अग्रगण्य इनको कहा जाता था। मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र। विठोबा की पूजा करते थे। अन्य संत तुकाराम और नामदेव। सुल्तान आदिल मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि है। अन्य नाम इमाम आदिल। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा आगरा में। निर्माण कार्य अकबर ने प्रारंभ करवाया। गुंबद विहीन 5 मंजिला इमारत है। अमरम विजयनगर में राजा द्वारा सेनाओं को वेतन के बदले या सेना के रखरखाव के लिए दिया गया भूखंड। ये सेनापति पलैयागार अथवा नायक कहलाते। जैसी यात्री था शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक थी। मदद ए मास विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि है। इसे सयूरगुल भी कहते हैं। सदर इस भूमि का निरीक्षण करता हुआ करता था। हुमायूं नामक गुलबदन बेगम बाबर के होते द्वारा लिखे। इसमें बाबर और हुमायूं का इतिहास था। हुमायूं एवं कमरान के बीच हुए युद्ध के बारे में वर्णन। कविंद्राचार्य शासन शाहजहां के दरबारी कवि थे। रचना कविंद्र कल्पलता उपाधि सरस्वती। कन्नौज बिलकाम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ। किसके मत? हुमायूं और शेरशाह के मत। परिणाम हुमायूं पराजित हुआ। आहत सिक्के आकार आयताकार वर्गाकार या गोल धातु की चादर को काट कर बनाए जाते थे। इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। नजराना जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वहीं नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। लोग इसे स्वेच्छा से देते थे।
नियामत खुदाई संबंध बलवन के राजा के सिद्धांत से उनके अनुसार सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र थे। अबर नामा का फारसी में अनुवाद उपाधि खाने खाना। फैजी मध्यकालीन भारत के कवि अकबर के इतिहासकार एवं अबुल फैजी के बड़े भाई। रचना अकबर नामा इन्होंने महाभारत एवं श्रीमद भागवत का फारसी में अनुवाद किया। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। यह उपाधि निजामुद्दीन औलिया द्वारा दी गई थी। शेर शाह का रायसेन अभियान कब हुआ? रायसेन अभियान 1543 में रायसेन के शासक उरन मल को छल से पराजित किया और उसे मार डाला था। यह अभियान शेर शाह के पर कलंक।